गुड आफ्टरनून बच्चों, हम क्लास सिक्स सब्जेक्ट ज्योग्राफी के चैप्टर फोर पढ़ेंगे मैप्स। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ए ग्लोब। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था बच्चों के ग्लोब के क्या फ़ायदे रहते हैं। हाउ एवर ग्लोब है लिमिटेशंस एज वेल, लेकिन ग्लोब के कुछ क्या है, लिमिटेशंस भी है। ए ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज ए होल। एक जब ग्लोब उसलिए यूज पड़ता है जब हमको जो अर्थ है, ज़मीन है, जब वो ज़मीन के बारे में, पूरी ज़मीन के बारे में पढ़ना होता है, तब ग्लोब क्या है, यूजफुल है। व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली ए पार्ट ऑफ द अर्थ, लेकिन जब हमको एक किसी ज़मीन के एक हिस्से को के बारे में पढ़ना है, एज अबाउट आवर कंट्री, जैसे खाली अपने मुल्क के बारे में पढ़ना है, या अपने स्टेट्स के बारे में पढ़ना है, या डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ना है, या टाउन्स के बारे में पढ़ना है, या विलेजेस के बारे में पढ़ना, इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प। इससे थोड़ी सी, इस जो ग्लोब है, ग्लोब से हमको थोड़ी सी ही मदद मिलती है अगर हमको पर्टिकुलर किसी कंट्री या किसी स्टेट के बारे में पढ़ना है। इन सच ए सिचुएशन वी यूज मैप्स। इन इस सिचुएशन में क्या है, हम क्या यूज़ करते हैं, मैप। ए मैप इज़ ए रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल। जो ये मैप क्या है, ये अर्थ की क्या है, एक जो हमारी ज़मीन है उसकी क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है, जो हम कहाँ पर बनाते हैं, एक फ्लैट सरफेस पर बनाते हैं, किसकी मदद से, स्केल की मदद से। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन ए राउंड शेप कम्प्लीटली, बट मगर ये नामुमकिन है एक जो राउंड शेप है, जैसे हमारा ग्लोब क्या है, एक राउंड शेप है, उसको बिल्कुल फ्लैटन करना बहुत ही मुश्किल चीज़ है, मतलब उसको हम कम्प्लीटली फ्लैटन नहीं कर पाते हैं। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पजेज। हमको पता लगता है, हम इस चैप्टर में हमको पता लगेगा कि जो मैप्स क्या है वो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल, बहुत ही फ़ायदे देने वाले हैं अलग अलग कामों के लिए। वन मैप शोज ए स्मॉल एरिया एंड ए फ्यू फैक्ट्स। एक मैप क्या करता है, हमको थोड़ा सा एरिया दिखाता है और कुछ सच्चाई दिखाता है। अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज ए बिग बुक। जो दूसरा अगर मैप करेंगे, उसमें हमको बहुत सारी फैक्ट्स के बारे में पता लगता है, जितना कितने एक बड़ी किताब में होते हैं। वैन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। जब हम बहुत सारे मैप्स को इकट्ठे रखते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक एटलस मिलता है। एटलसेस आर वेरियस साइजेस। एटलस क्या है, बहुत सारे साइजेस होते हैं। मेजरमेंट ड्रॉन्स ऑन डिफरेंट स्केल्स। इसमें क्या करते हैं, मेजरमेंट को ड्रॉन करते हैं अलग अलग स्केल्स पे, अलग अलग सतर पे। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन दैन ए ग्लोब। जो मैप्स है वो हमको ज़्यादा जानकारी देता है, किसके मुकाबले में बच्चों, ग्लोब के मुकाबले में। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जो मैप्स है वो उनके अलग अलग टाइप्स हैं। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। उनमें से कुछ क्या है, नीचे डिस्क्राइब किए गए हैं। पहला कौन सा वाला टाइप है मैप का, फिजिकल मैप। मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। जो कुदरती, जो इसके ज़मीन के फीचर्स हैं वो कौन कौन से, सच एज माउंटेन, जैसे क्या है, पहाड़ है, या प्लेटिस है, या प्लेन्स है, या रिवर्स है, ओशंस है, एट्सेट्रा, और कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप। क्या बोलते हैं, जो कुदरती चीज़ें हमको दिखाता है उसको क्या बोलते हैं, हमको फिजिकल मैप दिखाते हैं। पॉलिटिकल मैप दूसरा टाइप है मैप का, पॉलिटिकल मैप। मैप शोइंग सिटीज़, जो शहर दिखाए, या टाउन दिखाए, या विलेजेस दिखाए, एंड डिफरेंट कंट्रीज़ और अलग अलग मुल्क दिखाए, एंड स्टेट्स या स्टेट्स दिखाए ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, विद देयर बाउंड्रीज, विद उनकी जितनी बाउंड्रीज है उसके साथ जब दिखाते हैं, आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। उसको क्या बोला जाता है बच्चों, पॉलिटिकल मैप। तीसरा है थीमेटिक मैप्स। सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। कुछ मैप्स क्या करते हैं, किसी खास इंफॉर्मेशन पर फोकस करते हैं, जैसे कि सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्स, इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। वो जो मैप जो किसी खास चीज़ पर फोकस करे, जैसे कि क्या क्या है, रोड मैप्स है, या रेनफॉल मैप्स है कि कौन सी जगह पे ज़्यादा रेन है, या दिखाते कि कौन सी जगह क्या है, जंगल है, या इंडस्ट्रीज है, उनको क्या बोला जाता है, थीमेटिक मैप्स, आर नोन एज थीमेटिक मैप्स। वो क्या होती है, थीमेटिक मैप्स। सूटेबल जो ये मैप्स में इंफॉर्मेशन होती है, जो हमको मैप्स इंफॉर्मेशन देते हैं, उसी के ऊपर हम क्या करते हैं, सूटेबल टाइटल्स भी देते हैं। देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। मैप्स के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। तो आज के चैप्टर में हम बच्चों इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम जो इसके कंपोनेंट्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। थैंक यू।